हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अप्रेजर्स किचन में। आज अप्रेजर्स किचन में हम बनाएंगे चिकन करी, वो भी प्रेशर कुकर में, और काफ़ी टेस्टी बनने वाली है ये डिश। आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, और आपको अगर जो मेरी चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बाद में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। चिकन करी बनाने के लिए हम एक छोटी कढ़ाई रख देंगे, थोड़ा सा ऑयल, तकरीबन एक चम्मच। अब मेरे पास ये लंबे कटे प्याज है, मैंने 3 मीडियम साइज़ प्याज ले लिए है, उसको इस तरह से पतला लंबा कट कर दिया है, उसको हम इसमें डाल देंगे। इसको हम अच्छे से गोल्डन फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हो इसका जो कलर है वो गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम गैस को कर लेंगे बंद और हम इसे ठंडा होने देंगे। मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है और इस तरह से इसको ठंडा कर लेंगे। उसी में थोड़ा सा, एक चम्मच हम तेल डालेंगे और हम इसमें कोथमीर डाल देंगे, जिसको कि धनिया पत्ता बोलते हैं, वो डाल देंगे हम। गैस आपको ऑन नहीं करना है, वही गैस पे आपको फ्राई कर लेना है। हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्ची, 3 से 4 हरी मिर्ची लीजिएगा। इसे भी मैं निकाल लूंगी। अब क्या करना है कि मेरे पास ये ड्राई कोकोनट है, इसको हम पतला पतला काट लेंगे और इसको भी हम यही कढ़ाई में हम सेक लेंगे। ये देखिए, मैंने इसको काट लिया है पतला सा, इस तरह से। इसका क्वांटिटी तकरीबन एक छोटी कटोरी रहेगा, ये अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपको अगर जो ग्रेवी थोड़ी थिक चाहिए तो आप इसको ज़्यादा ले सकते हो, वरना आप एक छोटी कटोरी बहुत इनफ हो गया इसके लिए। मैं एक चम्मच तेल डालेंगे हम फिर से, और ये जो ड्राई कोकोनट का जो स्लाइसेस है हम इसमें डाल देंगे। इसको हम सेक लेंगे। इसको हमने मीडियम फ्लेम पे उसको रोस्ट कर लिया है। ये देखिए, इसका कलर भी चेंज हो गया है। हम उसको ज़्यादा नहीं रोस्ट करेंगे, इसको बंद कर देंगे गैस को, और इसे भी हम निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। इसको हम कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे और उसके बाद हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। ये जो मसाला, इसको कम्प्लीटली ठंडा होने दिया, अब इसको मैं पीस लूँगी। इसमें मैं ऐड कर लूँगी थोड़े से ये मिंट लीव्स, पुदीने के पत्ते हैं। मैंने इसमें स्टेम्स रहने दिए क्योंकि ये काफ़ी टेस्टी भी रहते हैं और ये स्टेम्स काफ़ी हेल्दी भी रहते हैं, इसलिए मैंने इसको निकाला नहीं है। तो इस तरह से मैंने ये पुदीना इसमें डाल दिया है। हम इसमें डाल देंगे ये लवंग, 4 लवंग लिए मैंने, वो डाल देंगे। 4 इलायची ले ली है मैंने, काली मिर्च का पाउडर ले लिया है मैंने आधी छोटी चम्मच। अगर जो आप साबुत डालना चाहो तो वो भी डाल सकते हो।
अगर जो आप साबुत काली मिरी डालते हो तो उसमें आपको एक छोटी चम्मच साबुत काली मिरी डालनी है। सिनेमन स्टिक डाल देंगे हम, ये एक इंच का टुकड़ा है उसको मैंने तोड़ लिया है। फाइन पेस्ट बनानी है हमें, इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। इसको हमने बढ़िया तरीके से पेस्ट बना लिया है। गैस ऑन करके मैंने कुकर ले लिया है, उसको हम गरम कर लेंगे। कुकर हमारा अच्छे से गरम हो चुका है, अब इसमें हम ऐड करेंगे ऑयल। तेल अच्छे से गरम हो चुका है, इसमें मैंने 4 बड़े चम्मच तेल लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी ये प्याज, ये 2 मीडियम साइज के प्याज है, इसको मैंने फाइन चॉप कर लिया है। हम उसको ऐड कर लेंगे तेल में। इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, गोल्डन कलर करना है हमें इसका। प्याज जो है वो हल्के से गोल्डन होना स्टार्ट हो गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे ये अदरक लहसुन का पेस्ट 1 बड़ा चम्मच। अदरक लहसुन हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है, इसमें हम डाल देंगे ये मसाला जो हमने पीसा हुआ है। हमारे फ्लेम को हम स्लो कर देंगे और उसको अच्छे से भून लेंगे मसाले को, तकरीबन 2 से 3 मिनट। इसको हम जब तक ये तेल नहीं छोड़ता ये मसाला हमारा, तब तक हम इसे 2 से 3 मिनट भूनते जाएंगे। इसकी बहुत ही अभी बेहतरीन खुशबू आ रही है। ये जो हमारा मसाला है उसने तेल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। अब इसमें हम थोड़े और मसाले डाल देंगे। हल्दी पाउडर डाल देंगे 1/2 छोटी चम्मच, धनिया जीरा पाउडर डाल देंगे हम 1 बड़ी चम्मच, लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच, आपकी टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें डाल सकते हो। मैंने कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ करी है। ये चिकन मसाला 1 बड़ा चम्मच है। मेरे पास ये 1.5 किलो चिकन पीसेस है, चिकन करी कट करके लिया है मैंने, तो हम इसको चिकन के मसाले में ऐड कर लेंगे। विथ स्किन और विथ बोन है ये चिकन। अब इसे हम अच्छे से मसालों में मिक्स कर लेंगे। इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट हम इस तरह से फ्राई कर लेंगे मसालों में। एक से दो मिनट हो चुके हैं। ये मिक्सर जार जो हमने मसाला पीसा था उसमें पानी डाल दिया है, अब ये पानी इसमें ऐड कर लेंगे। आप पानी
आपके हिसाब से डाल सकते हो। आपको ग्रेवी अगर जो पतली चाहिए तो आप ज़्यादा पानी डाल सकते हो, तकरीबन 4 से 5 ग्लास पानी इसमें होना चाहिए। ये जो है आप पे डिपेंड करता है कि आपको ग्रेवी कैसी खानी है, पतली ग्रेवी चाहिए, मोटी ग्रेवी चाहिए। फाइनली हम इसमें डाल देंगे नमक। नमक मैंने ये खड़ा नमक यूज़ किया है, इससे काफ़ी अच्छा ग्रेवी में टेस्ट आएगा। अब इसको हम बॉईल आने देंगे, उसके बाद हम इसका लिड बंद कर देंगे। हमारे चिकन में बॉईल आ चुका है, अब इसका कुकर का लिड हम कर देंगे बंद और हम लेंगे इसकी तकरीबन 2 विसिल। दो विसिल हो चुकी है, अब ये गैस जो है हम कर लेंगे इसको बंद। कुकर को हम ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम कर लेंगे इसे सर्व। हमारी बन के रेडी हो गई कुकर में, हम इसे कर लेंगे सर्व। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी चिकन करी कुकर में बन के रेडी है, बहुत ही टेस्टी बनी है। आप इसे घर पे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में लिख के बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय।